जैसा कि आपको विदित है, आज हमारे कार्यक्रम के केंद्र में है वरिष्ठ आलोचक श्री मैनेजर पांडे। उनका एक व्याख्यान होगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक फिल्म भी बनाई है जिसका प्रदर्शन अभी यहाँ होगा। यानी कि सबसे पहले आप फिल्म देखेंगे और फिल्म देखने के बाद फिर हम मैनेजर पांडे जी को, आदरणीय नित्यानंद जी को, आदरणीय शमी मंत्री साहब को तकलीफ देंगे कि वे मंच पर आए। आप सभी जानते हैं कि पांडे जी हमारे समय के उन गंभीर आलोचकों में हैं जिन्होंने अपनी एक नई राह बनाई है। आलोचना की सामाजिकता पर सदैव उनका बल रहा है। साहित्य का समाजशास्त्र, इस पर भी आलोचना में उनकी मौलिक स्थापना को हमने पढ़ा है और उससे उनकी एक अलग पहचान भी बनती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, जिसका जिक्र महाश्वेता देवी ने भी किया है, कि पांडे जी उन लेखकों में हैं जिन्होंने जन आंदोलनों से अपना गहरा संबंध सदा बनाए रखा। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, हो सकता है ये फिल्म का हिस्सा भी हो। उनकी आलोचना में साम्राज्यवाद का विरोध, उसका प्रतिरोध लगातार दिखता रहा है और ये उनकी चेतना का भी एक हिस्सा है। अगर हम गंभीरता से देखें तो हम पाते हैं कि उनके आलोचनात्मक विवेक और दृष्टि, इन दोनों का संबंध इतिहास के साथ बना रहा है। वो एक तरह की, मुझे लगता है कि रागदारी इतिहास के साथ पांडे जी करते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने दलित, स्त्री और आदिवासी विमर्श को भी अपने ढंग से अपनी आलोचना का एक हिस्सा बनाया और एक गंभीर काम की तरह उन्होंने लिया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वे एक संघर्ष धर्मी आलोचक हैं। भक्ति काव्य के को लेकर उनका जो काम है, खासतौर पर सूर को लेकर, उसकी भी शिनाख्त बड़े आलोचकों के साथ की जाती है। उनकी प्रमुख किताबें हैं संकट के बावजूद, शब्द और कर्म, आलोचना की सामाजिकता, उपन्यास और लोकतंत्र, भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, और इसके अलावा उनके संपादन में कई किताबें आई हैं। यहाँ तक कि सीवान पर कविता जैसा काम भी उन्होंने किया है जो कम ही लोग करते हैं। एक पद आपको याद होगा, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं, इसी शीर्षक से ये फिल्म है। इस फिल्म को देखने के पहले हम एक बात का जिक्र करना चाहेंगे कि 23 सितंबर को आदरणीय पांडे जी 75 वर्ष के हो रहे हैं और ये सहयोग भारतीय ज्ञानपीठ के लिए है कि हम लोग उनके 75 वर्ष पूर्व होने, 75 वर्ष होने के पूर्व ही इस आयोजन को कर पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये उनके 75 वर्ष, 23 सितंबर को जब वो 75 वर्ष के होंगे तो उसका एक पूर्व रंग है। और दूसरी बात ये है कि हिंदी में सेलिब्रेशन अपने लेखकों का बहुत कम होता है और मैं उन लोगों में से हूँ जो इस बात के ऊपर बहुत गंभीरता से सोचता रहा हूँ और बीच बीच में इस तरह की चीज़ें मैं करता भी रहा हूँ कि हमें अपने लेखकों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और 75 साल की अवधि तक सक्रिय रहना, जीवंत रहना और हस्तक्षेप करते रहना, ये थोड़ा सा दुर्लभ है और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की परंपरा जो है इसका निर्वाह ज्ञानपीठ के इस मंच से करते रहें।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। और Thank you.